सो गाइस आ गया हूँ एसआर मॉल पे और यहाँ पे कुछ है देखने के लिए आए हम लोग फिल्म तो, कौन सा और मेरे साथ है रॉकी जिनका फिल्म है उनका डुप्लीकेट यहाँ पे बैठा है। देखिए गाइस हाय एवरीवन कैसे हो। ये है रॉकी का चैप्टर 3 का हीरो समझ सकते हैं। ये है रॉकी यहाँ जयपुर में रहते हैं ये तो उनके साथ मिल गया। बहुत टाइम से हम लोग एक साथ हैं लेकिन मेरा मोबाइल में बैटरी प्रॉब्लम था तो इसको बैटरी चेंज करवाने के लिए दिया था इसलिए ब्लॉग बना नहीं पाया हूँ तो अभी बना रहा हूँ। तो गाइस एक बात है अगर चैनल पर नए हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और नीचे शेयर कर सॉरी नीचे कमेंट कर दीजिए और दोस्तों शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज रॉकी 2 और अभी आए हैं हम लोग कुछ जूस वगैरह पीने के लिए। इसका तबीयत बहुत ख़राब है तो इसका इसको लेके ना कुछ जूस वगैरह कुछ पी लेंगे पीने के बाद ऊपर जाएंगे। फिल्म का टिकट भी बुक हो गया टिकट भी बुक कर दिया हम लोग 3 जन का प्लैटिनियम का लिया है कुछ टिकट तो ऐसा है कुछ टिकट तो ये देख सकते हैं 220 पता नहीं चल रहा है गाइस तो 220 रुपये का एक एक टिकट था तो इसको अभी जूस पिलाने के लिए लेके आया हूँ। इसको जूस पिला लेते हैं और अच्छा है मॉल देखते हैं आगे का जर्नी तब तक के लिए जुड़े रहें साथ में। सो गाइस आ गया है मेरा बनाना मिल्क शेक तीनों का आ गया है तो भैया तुम्हें खा के बताओ कैसा है। चलिए मेरे को कैसा लग रहा है गाइस मैं सच में बता रहा हूँ ऐसा लग रहा है जो बनाना दिया हुआ है ना वो कच्चा था थोड़ा ढंग से पका नहीं है थोड़ा उसको क्या बोलते मुझे मालूम नहीं कच्चा रहने से वैसे ही टाइप का कुछ लग रहा है मेरे को। इसको पूछते हैं कैसा लग रहा है ये बोल रहा है लस्सी है मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि वो जो बनाना था गाइस वो थोड़ा कच्चा था इसके लिए ना लस्सी की तरह लग रहा है। फिर देखिए पी रहा है अभी बताएंगे कैसा लग रहा है लस्सी। ये गाइस ये लस्सी बन गया है मेरे लिए तो कच्चा कच्चा लेकिन इसके लिए थोड़ा ठीक ठाक एवरेज का है। क्या करें जो मंगाए वही खाएंगे भाई तो खाते हैं। अभी खाने के बाद अभी टाइम कितना हुआ 8 बज रहा है तो 8:40 में हमारा शो है तो 8:40 को मिलते हैं फिर से। आ गया हूँ थिएटर के पास और ये देखिए हीराबंदी 2 भी लगा हुआ है रॉकी भी है और ये रहेगा जगह कालिया का वक्त कालिया और स्क्रीन देखिए अभी फिलहाल चल रहा है वहाँ पर स्क्रीन 1 स्क्रीन 2 और हम लोग यहीं पर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। सबर का फल मीठा होता है तो उसके लिए सुना था कहीं पे सबर का फल मीठा होता है इसलिए इंतज़ार ही कर रहे हैं। ये तो हमने देख चुके हैं अभी कौन सा देखेंगे हाँ वो रहा रॉकी देखिए थोड़ा ये रहा एक रॉकी दूसरा रॉकी ये रहा दो रॉकी है हमारे पास। अभी चैप्टर 3 में इसके लिए बात हो रहा था डायरेक्टर से चैप्टर 3 में इसको लेने के लिए तो देखेंगे कुछ जुगाड़ तो करेंगे तो चलिए मज़े करते हैं और आप भी मज़े आई होप आपको मज़ा आएगा कमेंट में बताइएगा आपको मज़ा आया या नहीं। सो गाइस बहुत दिन से मुझे इंतज़ार था आपको भी पता होगा मेरा बैटरी नहीं रुक रहा था जो कि मैं चार्जर लेके घूमता था हमेशा और मेरा एक ही शिकायत था मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं रहता था तो आज फाइनली उसको मैं चेंज करवा दिया हूँ और दिखाता हूँ आपको। स्लो मोशन है तो ये देख सकते हैं 3 महीने का गारंटी देके 900 रुपये चूना लगाया गया इस क्या बताऊँ लग तो रहा है कहाँ का मेड इन इंडिया है देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मेड इन इंडिया तो इसके लिए जो मांगा वही दिया हूँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था और 3 महीने का वो गारंटी भी है इसमें। अगर कोई दिक्कत होता है अभी भी गटर बंधा हुआ है तो आपको पता नहीं है लेकिन अभी भी गटर बंधा हुआ है तो देखते अगर कुछ होगा तो इसके हाथ में भेज देंगे मोबाइल ये यही इसी मॉल से करवाया तो इसके हाथ में भेज देंगे ये करवा लेगा ठीक जो कि नहीं तो मेरे वहाँ से अप एंड डाउन करीबन 200 किलोमीटर करीब आ जाता है तो इतना दूर का आना पॉसिबल नहीं होता एक मोबाइल के लिए। तो अगर कुछ होता है बैटरी चार्ज नहीं रुकता है अभी भी चार्ज नहीं रुक रहा है तो मैंने फ़ोन किया था उसने कहा है आप एक बार ना उसको करंट में चार्ज मतलब करंट में बिठा के दिखाइए देखिए एक बार उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो कल देख लेंगे कल नहीं तो नया डाल देंगे और एक तो चलिए ठीक है कल देखते हैं और अभी खुलने वाला है तो चलिए चलते हैं अंदर। सो आ गया हूँ गाइस थिएटर के अंदर और देख सकते हैं हमारा लाइन वही तो आ गया हूँ थिएटर के अंदर और
एड वगैरह कुछ चल रहा है. Tufon XT600 HCR TNT rebar. अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा. मॉल बड़ा जबरदस्त, आप डेकोरेशन देख के बता सकते हैं. पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा जबरदस्त, इसको आप तो ऐसे बैठ भी सकते हैं और सो भी सकते हैं. तो Tufon XT के साथ मस्त है. अभी फिल्म स्टार्ट होने में थोड़ी टाइम लगेगी, तो टाइम फिल्म स्टार्ट होने देते हैं पहले. इतना सस्पेंस था गाइस, पता नहीं यार क्या देखा मैंने. आप भी देख के बोलिए इसमें क्या क्या है, सस्पेंस क्या है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया था. जितना भी दिखा सकता था दिखा दिया हूँ. अभी खत्म, अभी बज रहा है कुछ 11 करीबन 12 बज गया. लेकिन फिल्म का मुझे मतलब कुछ भी पता नहीं चला ये क्या था. इससे पहले वाला मुझे तो उससे बेटर लगा था, लेकिन ये वाला मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आया. रॉकी को पूछते हैं भाई इसका भाई ने क्या फिल्म बनाया था. रॉकी थोड़ा पता यार. यार कुछ समझ में नहीं आ रहा. कभी चैप्टर 1 का भी दिखा रहा है, कभी चैप्टर 2 का भी दिखा रहा है, कभी चैप्टर 3 का भी आ रहा था. पता नहीं इसमें पूरा चैप्टर एक साथ नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा ये क्या है. तो हो गया फिल्म खत्म, चलते हैं अभी लॉज पे. मैं अभी तक खाना भी नहीं खाया था. आना उसके लिए मैंने पार्सल करा के रखा था लॉज पे ही. तो चलिए खत्म हो गया सीन. तो आपको क्या समझ में आया थोड़ा बताइएगा जरूर कमेंट करके. बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम.